हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? अच्छे और अच्छे बने रहना। तो जैसे गाइस, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे फील्डिंग के ऊपर, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग हम लोग बहुत ज़्यादा कवर कर लेते हैं, सारे एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं, बट फील्डिंग को लेकर मैं बहुत रेयर केस में वीडियोस बनाता हूँ। इस बार इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेजेस आए कि मैं फील्डिंग के ऊपर कुछ करूँ अब, क्योंकि फील्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे क्रिकेट मैच में और खासकर सेलेक्शन के ऊपर। क्योंकि जब भी कोई टूर्नामेंट या लीग आ रहा होता है तो हमें सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा हमारी फील्डिंग भी देखी जाती है। और अगर लीग की बात करते हैं तो जो उससे पहले मैंने लीग के बारे में अपडेट दिया था तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है उसमें, तो मैं उन लोगों को फिर से एडवाइस दूंगा जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, उसमें पार्टिसिपेट करने से पहले एक बार खुद सेटिस्फाई हो जाए उनसे कॉल करके। अगर आप सेटिस्फाई हो तो पार्टिसिपेट करो, नहीं हो तो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं हमारे इस टॉपिक के साथ कि आपको फील्डिंग में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किस पोजिशन के साथ आपको बॉल पकड़नी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, चलो आओ बिना कोई टाइम वेस्ट करें। सो गाइस, पहला टिप हमारा यही है और बहुत इंपॉर्टेंट टिप हमारा ये है कि सबसे ज़्यादा पोजिशन हम लोग कैसे लेना चाहिए जब आपकी तरफ बॉल आ रही हो। ठीक है, बहुत लोग क्या गलती करते हैं पहले उस बारे में बात करते हैं। बहुत लोग गलती करते हैं किस पोजीशन में, इस पोजीशन में पकड़ते हैं, बॉल नीचे निकल जाती है, और बहुत लोग क्या करते हैं इस पोजीशन में पकड़ते हैं। तो इससे गलती क्या होती है कि बॉल आपकी नीचे निकल जाएगी, आपके सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आएगा, बहुत ज़्यादा नौसिखियाँ लगेंगे। सिंपल सा एक फंडा होता है, कोई कुछ नहीं करना होता ज़्यादा इसमें। इस पोजीशन में बॉल पकड़िए, अगर आप इस पोजीशन में पकड़ रहे हैं, अगर बाई चांस छूट भी जाती है तो आपकी इस पोजीशन में लगती है बॉल। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉडी में कहीं भी बॉल लगे तो यहाँ पर अगर लगे तो सबसे कम दर्द होता है। तो इस पोजीशन में आप पकड़ेंगे तो इधर उधर से जाने की चांसेस कम हो जाएंगे और एरिया भी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो बॉल रुकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ध्यान रखना इसी पोजीशन में बॉल पकड़ना और फिर थ्रो करते के टाइम इजीली पड़ जाएगा। ठीक है, तो गाइस वीडियो कंटिन्यू करने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं। तो पैसे हम कमाएंगे मोस्टबेट के थ्रू। मोस्टबेट एक इंटरनेशनल वेबसाइट है जहां पे आप इजीली अपना क्रिकेट का नॉलेज यूज करके पैसे अर्न कर सकते हो। आपके पहले डिपॉजिट पे आप 25,000 तक का बोनस प्राप्त कर सकते हो। बोनस कोड है IPL 2020। इसमें आप डिपॉजिट और विड्रॉ आराम से इजीली कर सकते हो UPI के थ्रू, और काफी आकर्षित इनाम भी जीत सकते हो। इसमें बहुत सारे जैकपॉट्स भी आते हैं। जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ है, जाके डाउनलोड करिए और खेलिए। हमेशा जब भी आप फील्ड करने जाते हो एक बात का ध्यान रखना कि बॉल को एंड टाइम तक देखना। क्रिकेट में चाहे आप बैटिंग कर रहे हो या फिर आप फील्डिंग कर रहे हो तो एंड टाइम तक क्यों देखना होगा मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी शॉट मारते हैं तो बॉल क्या करता है, स्विंग कर जाता है। ठीक है, बॉल प्लस कट के स्विंग हो जाता है, तो हम लोग को उतना ज्यादा वो कॉन्सेंट्रेट होता नहीं उस टाइम पर। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि बॉल इस तरफ आ रहा है तो राइट हमारे पास ही आएगा, बट ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। बॉल पड़ के कट भी सकता है, तो इसलिए हमेशा पोजीशन में बने रहें, पोजीशन में हमेशा रहें। जैसे कि आपके पास बॉल आ रही है तो आप लोग जल्दी से मूव ऑन कर पाएं, लाइक इस पोजीशन में है बॉल उधर कट गई तो जल्दी से आप लोग कवर कर पाएं। तो हमेशा ध्यान रखना फील्ड करते टाइम हमेशा एक्टिवनेस बहुत जरूरी है कि आप लोग फील्ड में एक्टिव रहे। कभी कभी क्या होता है कि जब आप खेल रहे हो ग्राउंड में या स्टेडियम में कहीं भी खेल रहे हो तो आपके पास बॉल कुछ कम आती है कभी कभी, तो आपका ना बहुत देर तक आप रिलैक्स हो जाते हो, तो उससे क्या होगा आपकी मूवमेंट खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा फील्ड में एक्टिव रहें। ठीक है, फील्डिंग में कैसे होता है मैं बताता हूँ। 30 yards का राउंड होता है, तो प्लेयर क्या होता है 30 yards के पीछे खड़े होते हैं ताकि वो लोग पोजिशन में रहें सॉरी तो वो लोग थोड़ा आगे आते हैं पोजिशन लेकर। ठीक है, इस पोजिशन में आगे आते हैं हमेशा, जब भी 30 yards के बाहर खड़े हो प्लेयर तो वो थोड़ा सा आगे आएंगे इस पोजिशन में, ताकि वो मतलब एक फ्लो होता है, फ्लो में बने रहें वो लोग ना। आप अगर ऐसे ही खड़ा रहोगे नॉर्मल तो आपका फ्लो ही नहीं रहेगा, तो फील्ड क्या करोगे आप। फील्ड में चीज चीता वाली, समझ रहे हो, चीता वाली एकदम रफ्तार। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ चहलकदमी करते रहें ताकि आपको जब बॉल पकड़ो तो बॉल की तरफ जल्दी से फ्लो कर पाओ। तो अब बात करते हैं फ्लैट कैचेस, आपके पास आती है जो कि कभी कभार क्या होता है कि बहुत आगे गिर जाती है, तो वो उसे फील्ड कैसे करें आप लोग उस बारे में बात करते हैं। तो देखो, जब भी आपके पास कैच आ रही हो, ठीक है, फील्ड करें तो उसको ध्यान रखो कि उसके आगे जैसे टप्पा यहाँ पे पड़ रही है तो उसके आगे आपका वो आ जाएगा, क्योंकि टप्पा लगते ही बॉल आपके सीधा हाथ में आएगी, वो सबसे ज़्यादा ईजी होता है मैच में। इसलिए आप ध्यान रखना कि जब भी आप लोग फील्ड कर रहे हो इस पोजिशन में आगे रहे, जितना बॉल के पास जा पाए, बॉल के जहाँ पास जाएंगे वन टिप होके आपके हाथ में आएगी, तो उससे घबराना नहीं, बहुत ईजी होता है, ट्राई जरूर करना। फील्डिंग करते टाइम हमेशा ध्यान रखना कि आप लोग बैलेंस पे रहे, बैलेंस पे रहेंगे तो अच्छा खासा थ्रो भी हो पाएगा, बॉल इजी आप पकड़ भी पाओगे। काम रहो, ज़्यादा वो हड़बड़ाहट मत रखना वरना बहुत फंबल हो जाता है, तो इसलिए काम रह के करना आप लोग। ध्यान रखना कि बॉल हमेशा आपकी यहीं पर लगे, इधर उधर लगती है तो बॉल छूट के चौके वे जा सकते हैं। तो ये हमारी जो टिप्स थी पूरी फील्डिंग के ऊपर थी, इस पर कोई हमने कैचेस का यूज़ नहीं करा है। कैचेस के लिए अलग से वीडियो बनेगी, उस पर अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ज़रूर मैं कैचेस के ऊपर जल्दी वीडियो बनाऊंगा। बाकी इसमें पूरा ओवरऑल फील्डिंग का ही था। सो गाइस, इसमें थोड़ा रनिंग फील्ड रह जाएगा क्योंकि अभी मेरे कमर में बहुत दर्द है, क्योंकि अभी थेरेपी चल रही है तो कंटिन्यूसली मेरे को आराम नहीं मिलता है कभी कभी, तो अभी मैं वो रनिंग फील्ड वाला नहीं कर पाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली कवर कर लूँगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अब इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और अब मैं लोगों के कमेंट्स पिक करके ही वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पर कमेंट करना और यहाँ पर भी कमेंट करना, मैं दोनों कमेंट्स रीड कर रहा हूँ आजकल।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखना, क्रिकेट जरूर खेलना, बाय।